Oh. I'm sorry. It's okay. Excuse me. Yes? I want to meet Mr. Bajaj. Oh, तो आप सर से मिलना चाहते हैं? Yeah. Come with me. आप यहाँ काम करती हैं क्या? Yes, sir. सर? राज. राज नाम है मेरा. सर नहीं. Come in. Yes, Mansi. Sir, Mr. Raj wants to see you. Yes. Raj? Hello, Mr. Bajaj. Tum yahan? Tum log jao. Okay, sir. Tum yahan? Tum yahan kaise? और ये राज क्या चक्कर है? अरे बजाज, तुम नहीं समझोगे, अपना धंधा ही कुछ ऐसा है, हर बार एक नया नाम। अब काम की बात करें। मानसी, मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता हूँ। रोहित, पिछले 6 महीने से तुम मुझसे कुछ ना कुछ कहना चाहते हो। आई मीन, जब से मैंने ये ऑफिस ज्वाइन किया है तब से। मैं तुम्हें। मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती। देखो रोहित, प्लीज, मेरे सपने बहुत बड़े हैं। मैं बहुत बड़ा बनना चाहती हूँ। अब ये गरीबी नहीं सह सकती मैं। और तुम सोचो, हम दोनों मिलके भी कितना कमा सकते हैं। देखो, तुम बहुत अच्छे हो, बट प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं सिर्फ और सिर्फ 1 करोड़पति से शादी करना चाहती हूँ, बस। मैं जानता हूँ, ये बात तुम मुझसे कई बार कह चुकी हो। मैं तो तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि मैं ये ऑफिस छोड़कर जा रहा हूं। प्लीज मना मत करना, मेरी तरफ से ये पहला और आखिरी तोहफा। सॉरी रोहित, प्यार और पैसे में बहुत फर्क होता है। पैसा नहीं तो प्यार भी नहीं। रोहित, काश तुम्हारी जगह राज होता।
सर। मैं देख रहा था तुम क्या कर रही हो। अच्छा। गुड, अच्छा कर रही हो। थैंक यू सर। क्या रे बजाज, अब तुझे दिन में भी जरूरत पड़ने लगी मेरी। तुझे पैसे मैं काम के देता हूं, तुझे मेरे दिन रात से क्या मतलब है। अब ध्यान से सुन। सर आप? उफ, कितनी बार बोलूं, मेरा नाम सर नहीं राज है। ओ सॉरी सर, बट बजाज सर तो आए नहीं है। मैं बजाज से नहीं, तुमसे मिलना चाहता था। मुझसे? डोंट वरी यार, तुम्हारा नंबर नहीं था, नहीं तो तुम्हें कॉल करता। एक्चुअली ना, मुझे अपने आप को एक सजा देनी है, क्या तुम उसमें मेरी मदद करोगे? मैं समझी नहीं। ओह कम ऑन, मैंने उस दिन तुम्हें टक्कर मारी, सोचा उसकी सजा के तौर पर अपनी जेब को थोड़ा सा हल्का कर दूं। क्या तुम मेरे साथ डिनर पे चलोगी? मैं क्या कहूं? सिर्फ हाँ। ओके। ये हमारी दोस्ती की सौगात। खूबसूरत नगीना, खूबसूरत नगीने के लिए कबूल है। लो। नहीं राज, अब नहीं। मैंने तुम्हारी खुशी के लिए एक बार ले लिया, पर अब नहीं, बस। और तुम भी छोड़ दो मेरे लिए, प्लीज। आई लव यू। हम शादी कब करेंगे? बहुत जल्द।
मानसी तुम्हें प्यार हो गया। मुझे शायद प्यार हो गया है रात से। हेलो हेलो मानसी। हाँ माँ। तुम्हारे पापा का एक्सीडेंट हो गया है। क्या कैसे? जल्दी से कुछ पैसों का इंतजाम कर दो। ठीक है मैं कुछ करती हूँ। पर जल्दी करना बेटा। हाँ हाँ मैं कुछ कर रही हूँ। हाँ ठीक है। बार कहा तुम्हें मैं काम में बिजी हूं, बाद में फोन करना। तो तुम्हारे पिताजी का एक्सीडेंट हो गया है। तुम्हें 50,000 रुपए की जरूरत है। सर थोड़ा थोड़ा करके मेरी सैलरी से काट लीजिएगा। मानसी सैलरी से काटने की क्या जरूरत है? तुम्हारे पिताजी का एक्सीडेंट हो गया है। 1,00,000 रुपए रख लो, काम आएंगे। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। सर ये क्या है? कमांड डार्लिंग, तुम जानती हो ये क्या है। बस आज इसके और मेरे साथ एक खूबसूरत रात। सर मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। तो कैसी लड़की हो? जब उस कुत्ते के साथ सोई थी तब क्या हुआ था? वो मेरा पर्सनल मामला था। उस कुत्ते को मैंने तुम्हें ड्रग देने के लिए कहा था, साथ में सोने के लिए नहीं। उसको तुम्हें 1,00,000 रुपए तुम्हारे हो जाएंगे। Shut up. Get out. You are fired. ना बेटा ना, समझ थारे को कोई बेवकूफ बनायो बेटा। ये अंगूठी तो 400 रुपए की भी ना ही है। जा कोई और दुकान ढूंढ बेटा। Thank you.
कि नहीं हुआ? मैं करती हूँ माँ। पर जल्दी करना बेटा। मैं कर रही हूँ। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज भी तो लेना है। प्लीज मना मत करना, मेरी तरफ से ये पहला और आखिरी तोहफा। मैं जानता हूं कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते, ये बात तुम मुझसे कई बार कह चुके हो, डियर मानसी। मैं जानता हूं मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूं, लेकिन मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूं। मैंने अपनी सेविंग से कंगन बनवाए थे तुम्हारे लिए। जब तुम अपनी पसंद से शादी करोगी, इसे तुम अपनी शादी का तोहफा समझकर रख लेना। और हाँ, ना मैं तुम्हारी पसंद था और शायद ये कंगन भी तुम्हारी पसंद के ना हो, इसलिए इसका बिल साथ में रखा है। तुम चाहो तो बदल सकती हो। जहां रहो खुश रहो।